एडवेंचर इसलिए अभी मुझे लगता है उसके लिए थोड़ी और मैच्योरिटी चाहिए मुझे. ओके अभी थोड़ा वो पोस्चर अंदर वो है ना, खून में गर्मी बहुत ज्यादा है अभी सही है, स्टैंड स्टैंड करता है तो उसके हिसाब से तो ज्यादा स्विंग भी करती है. अभी थोड़ा एडवेंचर के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए. गुड मॉर्निंग ऑल, दिस इज राम एंड यू आर वॉचिंग सोलो ट्रैवलर. दिन है शनिवार, समय हो रहा है 4:20 और सुबह की शुरुआत करता हूँ मैं अपने बाइक के साथ. तो आज की जो डेस्टिनेशन है उसका पता मैं आपको रास्ते में बताऊँगा धीरे धीरे, क्योंकि सबसे पहले हमें निकलना है. जैसा कि आप देख पा रहे हो रोड पे, रोड है गीली क्योंकि हो रही है हल्की हल्की बारिश. तो जल्दी जल्दी चलना होगा क्योंकि मैंने फ़ोन करके पूछा है जिस तरफ मैं जा रहा हूँ उस तरफ इस समय बारिश नहीं हो रही है. तो मेरे को अपने एरिया से एटलीस्ट जल्दी निकलना है क्योंकि अगर ये बारिश तेज़ हो गई तो बहुत दिक्कत होने वाली है मुझे. बाकी वाटरप्रूफ बैकपैक तो मैंने लिया नहीं है, बट खूब सारी पॉलिथीन्स मैंने ले ली हैं एंड अपना पूरा सामान पॉलिथीन में पैक करके मैंने बैग में रखा हुआ है ताकि बारिश अगर तेज़ हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, सामान मेरा पूरा ड्राई रहे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो ये है आपका लेखराज मार्केट एंड यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हम लोग रिग्रुप हो चुके हैं. तो मीटिंग पॉइंट तीन थे एक्चुअली, एक आपका बादशाह नगर था तो ये लोग बादशाह नगर पे वेट कर रहे थे वहाँ से लेकर आ जाए हैं. दूसरा मीटिंग पॉइंट हमारा पॉलिटेक्निक का है जहाँ से मैं यहाँ पे आया हूँ. हम वापस जाएंगे यहाँ से थोड़ी देर बाद, बट इससे पहले हमें ओके आना है रेस डायनेमिक्स जहाँ पे कुछ लोग वेट कर रहे हैं. तो बारिश की वजह से प्लान में थोड़े से चेंजेस हो गए हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं गाड़ी. बढ़ते हैं मॉर्निंग मॉर्निंग. कैसे हैं दीपू सर? अरे अरे बारिश वारिश का क्या ही कर सकते हैं. और भाई ये दोबारा है तो एक दिन जाके लगता ही गया. दीपू सर तो बारिश कैमरा लगाना बेकार हो गया होगा. कितने बजे खुलती है ये शॉप? कितने बजे खुलती है ये शॉप? इमरजेंसी में अवेलेबल है. आज जो है इमरजेंसी खोली है उन्होंने, सुबह 4:30 बजे खोल दी थी. भैया को प्यार से याद कर लो कभी नहीं. बारिश तो पूरा वही करे दे रही क्यों? देखिए क्या होता है बारिश का. अरे भैया हमारे जो है कितने दिन बाद मिले, कितने साल बाद? साल बाद नहीं, बीच में आया था मैं मिलने. आया था जैकेट वैकेट, जैकेट वैकेट तो ली थी ना सर मैंने यहीं से तो ली थी.
तो फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो चुका है एंड क्रू के सारे मेंबर्स ने हम लोग को ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग का जो अगला स्टॉप है वो है पॉलीटेक्निक। आधा क्रू हमारा यहाँ था, आधा क्रू हमारा पॉलीटेक्निक पे है, तो यहाँ से हम लोग पॉलीटेक्निक जाएंगे एंड वहाँ से बाकी लोग को कलेक्ट करेंगे और फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे राइड के लिए इंद्रा डैम। बारिश हो रही है सुबह से कंटिन्यू और कह नहीं सकते कि मैंने राइड का मज़ा बढ़ा दिया है कि राइड का मज़ा खत्म कर दिया है, पर जो भी हो ख़त्म तो नहीं हो सकता राइड का मज़ा, चाहे बारिश हो जाए चाहे आधी तूफान आ जाए। काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया क्योंकि तो मीटिंग पॉइंट बहुत सारे थे। सबसे पहले निकल के आलमबाग से किसी एक बंदे को मुझे पिक करना था एंड उसके बाद फिर लेखराज के बाद रेस डायनेमिक्स एंड रेस डायनेमिक्स के बाद ये फाइनल और लास्ट मीटिंग पॉइंट पॉलिटेक्निक। और ये जो डिले हुआ है इसमें बारिश ने भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है क्योंकि तो बारिश की वजह से सबको आने में अपनी अपनी तरफ से डिले हो गया, कोई भी श्योर नहीं था कि राइड होनी है या नहीं होनी है। और थोड़ा अच्छा हो गया इस समय आप देख रहे हो तो बारिश रुकी तो नहीं है पूरी तरह, बट बहुत ज़्यादा धीरे हो रही है, ना के बराबर कह सकते हैं, बट सुबह बारिश की रफ्तार थोड़ी सी ज़्यादा थी इससे। और मेरी भी राइडिंग जैकेट पूरी भीगी हुई है, वो तो अच्छा है कि मैंने वो पॉलिथिन एंड बाकी सारी चीज़ें लाई थी, तो मैंने लैपटॉप अपना एंड बाकी गैजेट्स बैग के अंदर रखे हुए हैं तो वो सेफ़ हैं, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। छूटा तो हम लोग आ चुके हैं इंद्रा डैम पे। ये देखिए आपका इंद्रा कैनाल मस्त बह रही है और बहाव बहुत ही तेज़ है, बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज़ है इसका। ये आपकी बाइक्स जो हैं लाइनअप सारी हो चुकी हैं। तो फाइनली डेस्टिनेशन पॉइंट पे हम लोग आ चुके हैं, ये आपका इंद्रा डैम और पानी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी।
होंडा CBR 650 आर ही क्यों, कोई दूसरी बाइक क्यों नहीं? एक्चुअली मुझे पर्सनल डेटोना थी बहुत ज़्यादा, बट क्या था डेटोना को बंद हुए 4-5 साल हो चुके थे, तो उसको लेने से इतना फ़ायदा नहीं था क्योंकि फिर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, ऊपर से लखनऊ में कोई शोरूम नहीं है तो और भी काफ़ी चीज़ें देखनी होती है, प्लस होंडा है तो कुछ कोई मतलब सीन ही नहीं है, मतलब इंजन तो हमेशा ही सही रहना है, बस टाइम तक सर्विस कराते रहो और दूसरी पोस्चर आप टूर भी कर सकते हो साथ में। बट तुम्हारे पास पहले से एक स्पोर्ट्स बाइक थी, ड्यूक है, RS है, तो एडवेंचर क्यों नहीं पसंद करती? एडवेंचर इसलिए अभी मुझे लगता है उसके लिए थोड़ी और मैच्योरिटी चाहिए मुझे। ओके अभी थोड़ा वो पोस्चर अंदर वो है ना, खून में गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी सही है, स्टैंड स्टैंड करते हो तो उसके हिसाब से तो ज़्यादा स्विम भी करती है। अभी थोड़ा एडवेंचर के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए, 3-4-5 साल और मैच्योर हो जाए उसके बाद एडवेंचर लॉन्ग रूट में। बिल्कुल चलो बढ़िया है। कुछ बोलना चाहेंगे? अरे बोलना क्या चाहेंगे, अपने आयुष भाई आए हुए हैं और देखिए आप कितना ज़्यादा मतलब रस है, रश है और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए तो आप आ गए, हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। अरे सर ये है हमारे आयुष भाई और इनके पास है आपकी कॉन्टिनेंटल GD मिस्टर क्लीन 650 और इन्होंने काफ़ी सारे मोड्स कर रखे हैं इसमें, जिसमें पहला मोड तो है कि मुझे एग्जॉस्ट जो इसका दिख रहा है वो अपग्रेडेड दिख रहा है और इसके ऊपर आपका क्या लिखा हुआ है? गुरसेवक। तो गुरसेवक एग्जॉस्ट लगा हुआ है, साथ में ज़ारा के आपके क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, हेडलाइट अगर आप देखोगे तो वो भी आपकी चेंज है, साथ में ही इन्होंने फ्लैशर भी लगा रखे हुए हैं जिसमें 60 तरह की सेटिंग्स हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो ये सारा जो भी आपने कस्टमाइज़ किया बाइक को, इसमें कितना खर्चा आया होगा आपका? लगभग 2500 मेरे हैं, 15,000 के आपके एग्जॉस्ट हैं, 2500 की हेडलाइट है, ज़ाना के क्रैश गार्ड आपके 4000 के हैं और इसके अलावा जो फ्लैशर वो आपका 1900 का है। ओके तो ये सारे मॉड्स थे जो इन्होंने कर रखे हैं और बाइक को बना रखा है बहुत ही ज़्यादा शानदार। और एक क्वेश्चन मेरा ये था आपके साथ कि आपने कॉन्टिनेंटल GT को क्यों प्रेफर किया, इंटरसेप्टर को क्यों नहीं किया? एक्चुअली जो लोग मेरा बजट था उस बजट के अकॉर्डिंग KTM आ रही थी और GT आ रही थी, मुझे थोड़ा क्लासिक लुक चाहिए था इसलिए मैं GT। क्लासिक लुक तो आपका इंटरसेप्टर का भी है। हाँ इसको क्यों लिया? स्पोर्ट के साथ मतलब कुछ अलग चाहिए था, एग्रेशन चाहिए था। एग्जैक्टली ये है सिटी राइड्स के लिए जो मतलब एक एग्रेसिव राइड क्वालिटी होती है और इसकी हैंडलिंग जो है बहुत प्यारी वो 100% है, वो इंटरसेप्टर से ज्यादा अच्छी है। बट ये है कि लॉन्ग रूट में अगर आपको जाना है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़े से मॉड्स कर देंगे अगर तो आप लॉन्ग रूट भी कर पाएंगे, बट शहर में चलने के लिए स्टॉक काफी है। एक्चुअली बहुत सारे राइडर्स को मैंने देखा है वो दो हैंडल्स रखते हैं, मतलब इंटरसेप्टर्स वालों को भी मैंने देखा है एंड आपकी ये कॉन्टिनेंटल GT वालों को भी देखा है कि वो दो हैंडल बार रखते हैं, एक आपका सिटी राइड के लिए जो कि आपका लेबैक में थोड़ा मतलब लेडाउन में रहता है, एग्रेसिव राइड क्वालिटी रहती है, और एक आपका जो इंटरसेप्टर वाला होता है कि अगर आपको लॉन्ग रूट में जाना है तो वो आपका हैंडल राइजर के साथ रहता है। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है, बहुत सही है। तो ये चीजें कुछ हैं जो अच्छी हैं, जल्दी और मॉड्स भी मिलेंगे आपको, जैसे 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 मॉड्स अपग्रेड होते जाएंगे वैसे हम इस मॉड को अपने ब्लॉग्स में कवर करते जाएंगे। लगवा लेना एक्सप्रेस का, काफी अच्छा है। ओके स्पेशल डिस्काउंट भी दे देंगे। ये है दीपू सर, रे डायनेमिक्स के ओनर, और ये जितने भी मोड्स इसमें हो रखे हैं वो सारे इन्होंने ही चेंज करवाए हैं। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा कोई भी मोड करवाना है, आपके पास कोई भी बाइक है और कोई भी राइडिंग गियर आपको परचेस करना है, तो आप रेस डायनेमिक्स में जाइए, वहाँ पे आपको दीपू सर देंगे स्पेशल डिस्काउंट, चैनल के थ्रू आते हैं तो स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। एग्जैक्टली अगर आप सोलो ट्रैवलर के थ्रू जाते हैं और मेरा नाम लेते हैं तो आपको इसके स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। ये थी आज की सैटरडे राइड और हम लोग आए थे इंटर डैम तक और काफ़ी कुछ हुआ, बारिश हुई सुबह, मीटिंग पॉइंट्स बदले, कुछ लोग लेट भी आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। दीपू सर ने आज हमें ज्वाइन किया,
वो एक स्पेशल गेस्ट की तरह और बहुत अच्छा लगा बहुत समय बाद दीपू सर से मिलके। बारिश हो रही थी, रुकावटें आ रही थी राइड, इतनी सारी रुकावटें आ रही थी, मतलब मैं सुबह उठा 4:30 बजे से ही बौछारे पड़ रही थी, बारिश आ रही थी, पर मैंने कहा नहीं यहाँ तो राइड पे जाना है, पड़ रही थी कि लग रहा था कोई मार रहा था। एग्जैक्टली, बट ये होता है जोश एक राइडर का कि बारिश आ जाए तूफान हो जाए बट राइड जो है वो कभी कैंसिल नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ टाइम पे आ गए थे और बहुत ही अच्छा लगा राइड करके। तो फिर इसी के साथ आज का जो ब्लॉग है इसको एंड करते हैं। चैनल को अगर आप देख रहे हैं, ब्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आ रहे तो डिसलाइक कीजिए, बट कुछ जरूर कीजिए। दिस राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ। दीपू सर, अरे कहाँ रह गए थे तुम? अरे बंदे की बाइक खराब हो गई थी। अच्छा अच्छा, अच्छा। तो ये सही कर रहे थे यार, मौसम तो बड़ा बढ़िया हो गया। अरे मौसम तो अच्छा हो गया, बारिश बारिश बंद हो गई, हमें तो लगा था बारिश बंद ही नहीं होगी। वो देखो कैसे इंट्रोडक्शन दे रहा है बंदा, ये वो अपाचे है, लेजेंडरी अपाचे जो खराब हुई थी। ड्रम ब्रेक चला गया, पीछे का ब्रेक काम नहीं करेगा। आराम से चलो, आराम से आगे हो डाउन। नहीं भाई, ओ भाई कहाँ जा रहे हो सारे, मेरा क्रेडिट को। तो फिर सही हो चुकी है, बाइक बंद लेगी।